अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सोहेब, हाजिर हूँ एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो है कि हम फुटों को मीटरों में कैसे तब्दील कर सकते हैं। अगर हम वॉशरूम या किसी भी किस्म की टाइल खरीदने जाएं, फर्शों की, फ्रंट की या वॉशरूम की, तो वो हमें मीटरों में खरीदनी पड़ती है और हम पैमाइश हमेशा करते हैं फुटों में। तो आप अपने घर की पैमाइश या किसी भी किस्म की आप लोगों ने टाइल खरीदनी हो तो आप अपने पैमाइश कैसे कर सकते हैं, उसको मीटरों में कैसे तब्दील कर सकते हैं, अब आप खुद इस वीडियो को देखने के बाद सीख जाएंगे कि आप फुटों को मीटरों में तब्दील कैसे कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मेरे पास एक वॉशरूम है जिसकी लंबाई 7 फुट है और चौड़ाई इसकी 5 फुट है। अगर ये हमारे पास 7 फुट की दीवार है तो हमारे पास 2 दीवारें हो जाएंगी, यानी कि 7 जमा 7। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास ये 7 फुट की दीवारें 2 हैं और 2 दीवारें हमारे पास 5 फुट की है, तो 7 फुट जमा 7 फुट, इसके अलावा 2 हमारे पास 5-5 फुट की हैं, जमा 5 जमा 5, इन आपको सबको जमा कर लेना। ये हमारे पास आ गया 7 और 7 14 और 5 और 5 हमारे पास ये 10, यानी कि 24 ये हमारे पास फरमाइश आ गई लंबाई ओवरऑल दीवारों की। इसके बाद हमने कितनी हाइट तक टाइलें लगानी है। अमूमन जो टाइलें लगती हैं वो हमारी लगती हैं 7 फीट हाइट तक, तो हम इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास जो तो इनको मल्टीप्लाई करने से, यानी कि ये जो हमारे पास पैमाइश आएगी सारी दीवारों की, इनको जमा करना है और जितनी हाइट तक हमने टाइल्स लगानी है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने ये 7 फीट हाइट तक टाइल लगानी है तो ये हमारे पास आ जाएगा 168 फीट। तो ये हमारे पास फीट आ गए हैं, यानी कि ये फीट में पैमाइश आ गई हमारी। आप इसको मीटर में तब्दील करने के लिए हम तकसीम कर देंगे इसको 168 तकसीम 10.7, 10.7 इसको तकसीम कर देंगे तो ये हमारे पास तकरीबन 16 मीटर टाइल आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो वॉशरूम में टाइल्स दीवारों में लगेंगी वो हमें 16 मीटर टाइल रिक्वायर होगी। इसमें आप अगर दूसरा दरवाजे की पैमाइश निकालना चाहे तो वो दरवाजा पैमाइश करके उसमें आप ये 16 मीटर में से माइनस कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम फर्शों की टाइल निकालना चाहें वो भी बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं, यानी कि अगर आपके पास ये 7 फीट बाई 5 फीट का वॉशरूम है तो 7 मल्टीप्लाई बाई 5 ये हमारे पास आ जाएगा 35 फीट, और इसको मीटर्स में तब्दील करने के लिए हम तकसीम कर देंगे 10.7 के साथ। तो ये हमारे पास, इसको आप कैलकुलेटर यूज करके मीटर्स निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास 35 फीट आ जाएगा, इसको 10.7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये फीट आ जाएगा। तो आप कैलकुलेटर की मदद से इसको डिवाइड करेंगे ये, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.27। तो ये अगर हमारा वॉशरूम 7 बाई 5 का होगा तो इसके फर्श पर जो टाइल लगेगी वो 3.27 मीटर, यानी कि 3.5 मीटर आपकी टाइल तकरीबन आपके फर्शों पर लगेगी। थोड़ा सा एस्टीमेट ज्यादा रखिए ताकि जो कटिंग वगैरह होनी होती है उसमें वो कवर हो जाता है। तो इस तरह आसानी के साथ अपने किसी भी पैमाइश, यानी कि फ्रंट की, फर्शों की, वो आप निकाल सकते हैं। सेम इसी तरह आप जब टाइल खरीदने जाए, फर्शों की भी और फ्रंट की जो भी टाइल आप खरीदना चाहें, आप इस तरह तकसीम करके अपनी टाइल्स निकाल सकते हैं और बआसानी आप अपने, आपको किसी इंजीनियर या मिस्त्री बुलाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे खुद अपनी टाइल की पैमाइश करें और आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी टाइल्स कितनी लगेंगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।